आज हमने सेट में देखा कि काफी कुछ खाना है। बेसिकली हम सब ने हिम्मत करके एक्चुअली जो नैना है उन्होंने सबको समझाया गांव वालों को कि हम जाके ठाकुर साहब से इतना तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जिस आश्रम में लड़कियों को भेजा जाता है उनके जो पेरेंट्स हैं वो जाके एक बार वो आश्रम तो देख कर आ सके कि कहाँ रहने वाली लड़कियाँ, कैसी जगह एंड ऑल दैट। सो बेसिकली ठाकुर जी मान जाते तो उस खुशी में हम सांझा चूल्हा करते। सांझा चूल्हा मतलब कि एक साथ मिल के खाना बनाएंगे गाँव वाले और एक साथ ही खाना खाएंगे। सो बेसिकली ये है और हम सब खुश है क्योंकि जो इतने सालों से प्रथा थी और जो पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था कि उनकी बेटियां कहाँ जा रही हैं, एटलीस्ट वो अब जाके आश्रम देख के आएंगी कि कैसा आश्रम है, क्या है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि नैना को तो पहले शक था ठाकुर के पिता ठाकुर पर कि क्या वो आश्रम सही में आश्रम है या वो लड़कियों को। वो शक तो भी क्लियर हो गया है कि वो शक नहीं, वो सच है कि वहाँ पे कोई आश्रम नहीं है एंड वहाँ पे लड़कियों को जाके बेचा जाता है एंड कहीं और ही ले जाया जाता है। लेकिन वो सिर्फ उसको पता है, गांव वालों को नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, सिर्फ ठाकुर और उसी को पता है। तो इस बार ठाकुर क्या चाल चलने वाले हैं? तो अब आगे उसके लिए आगे देखना पड़ेगा कि ठाकुर क्या चाल चलते हैं, कैसे दिखा देते हैं आश्रम। तो लेट्स सी आगे के एपिसोड में। हाँ वो ट्विस्ट ही है कि ठाकुर फिर जीत जाता है, वो आश्रम दिखा देता है बेसिकली और नैना शौक हो जाती है कि आश्रम कैसे बन गया, यहाँ तो मैं एक रात पहले देख के आई थी कि आश्रम नहीं। मतलब वो सारी लड़कियां भी आ जाती हैं। हाँ उनको ड्रग्स पिलाए खिलाए, ड्रग्स ड्रग की ड्रग में होती हैं वो, तो दैट्स व्हाई वो पता चल जाता है। वो सिर्फ नैना को पता चलता है, हमें नहीं पता चलता। हमें लगता है कि नॉर्मली लड़कियां अपने मेडिटेशन में हैं, बट वो मेडिटेशन में नहीं होती। मैं व्यूअर्स को कहूँगी कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है हमारी, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रैक्स हैं। प्लीज़ वॉच काला टीका, प्लीज़ वी नीड योर सपोर्ट। लीप लिया हमने, नई स्टोरी है, आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है। जितना प्यार आपने कली को दिया और गौरी को दिया, युग को दिया, उतना ही प्यार पवित्रा और नैना को दीजिए एंड कीप वॉचिंग काला टीका। थैंक यू मेरा शो देखने के लिए और देखती रहिए।